बेहतर है आप जब इससे बेहतर है बस वही मैं जी मुझे पहली बार आई हूँ तब से मैंने बारी नहीं बहुत अच्छा महिला बन गई सैटरडे को हम लोग अंदरूनी जो है और अपने मुरादाबाद बाकी लोग रुक जाइए हेलो पहले तो सड़ा सा एक टॉयलेट था बाद में तीन बिल्डिंग एंड तीन जी हॉस्पिटल और सब कराया सीख सकते हैं यू मस्ट स्टार्ट इट क्विकली और समझ पाएंगे ये लोग जी मैंने रोटी क्लब के एक हैं उनसे भी बात करी उनसे ले रखा है तुम भी जैसे हमारा क्या बोलते हैं न्यू ईयर इन लोगों से कुछ बनवा लो ना तो मैं भी कुछ कैंडल नहीं एंड वो क्या बोलते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स ग्रीटिंग कार्ड हां बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मैम सबसे बड़ी बात है तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी जाए क्या आपको स्मरण होगा कि 2010 में मुझे मायावती जी के कार्यकाल में मुरादाबाद जेल में रहना पड़ा था और लगभग चार दिन में वहाँ रही और उस समय कहते थे ट्रांजिट जेल है और इसकी बहुत दुर्दशा थी खासतौर से जो महिला बंदीगृह है उसमें बहुत ही बुरी हालत थी तो मैं आज देखने आई थी क्योंकि बीच में मैंने बहुत लिखा पढ़ी करी पूर्व सरकार में भी अपनी सरकार में भी कि सुधार होना चाहिए मुझे बताया गया था सुधार है तो मैं आज वो ऐसी औचक देखने चली गई थी तो पहले से तो स्थिति बेहतर है लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ करीब करीब 125 महिलाएँ हैं लेकिन जिन परिस्थितियों में हैं वो बहुत अच्छी नहीं है 40x25 का या 20 का कमरा होगा और एक एक कमरे में 30-35-40-40 महिलाएं ज़मीन पर लेटी हैं और एक दर्जन से ज़्यादा छोटे बच्चे गोद के बच्चे 2-3 साल के अंदर के भी वहाँ हैं पहले से अच्छा इसलिए भी है क्योंकि शौचालय बन गए हैं स्नानगृह बन गए हैं लेकिन वहाँ खुली ज़मीन है ही नहीं बहुत कम एक पतली सी खुली ज़मीन है मेरे ख्याल से 15x30 फुट होगी अब उसमें ना बच्चे खेल सकते हैं ना महिलाएं कोई अपना रिक्रिएशन कर सकती हैं तो मैंने ये भी अभी देखने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम इस बंदीगृह में अपने महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं का कौशल विकास कराएंगे अभी तक महिलाओं को सिर्फ कढ़ाई बुनाई होता है वहाँ पर कुछ महिलाएँ 2-3 मशीनों पर कुछ झोले वोले सिल रही थी तो अब नए परिस्थितियों में उन्हें क्या क्या कौशल विकास के लिए उनकी इच्छानुसार उनके मन से उनसे बात करके हम बहुत शीघ्र शुरू करेंगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसा बन गया महिलाओं के लिए अपनी बात कहने का और बहुत महिलाएं सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में महिलाएं अपने ऊपर आप बीती सुना रही हैं और जो वो कह रही हैं ये आरोप लगाना गलत है कि 10 साल 20 साल बाद क्यों बोल रही हैं जब भी कोई आंदोलन होता है तो जब वो तभी होता है जब एकदम उबाल पे आ जाता है अब आप कहें कि आज़ादी का आंदोलन पहले क्यों नहीं हुआ 42 आंदोलन में क्यों मुक्त हुए तो ये बात नहीं है हर एक को अपनी बात कहने का आप ये क्यों सोचते हैं कि वो सिर्फ सज़ा दिलाने के लिए अपनी बात कह रहे हैं हो सकता है इसमें बहुत सारी महिलाएँ अपने अंदर में जो दबा हुआ गुस्सा है उसका इजहार कर रही हैं आप खुद सोचिए कि बहुत सारी महिलाएँ उसमें बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं बहुत सारी महिलाएं विवाहित हो गई हैं उनके बच्चे भी हैं बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अब एक मध्यम उम्र में भी आ गई हैं मध्य उम्र में और अगर बोल रही हैं तो एकदम रफा दफा कर देना उचित नहीं होगा लेकिन कानून है भारतवर्ष में हम लोकतंत्र हैं जिन पर आरोप लगाया जाता है सही है कि गलत है तो कानून का काम है ये इसकी जाँच होनी चाहिए जिन पर आरोप है उनको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए इस बात पर हम लोग सहमत हैं लेकिन अगर आप ये कहें बोला क्यों नहीं पहले तो लोग घर में देखे बलात्कार हो जाता था लड़कियों का घर में दबा देते थे कि लड़की की इज्जत का सवाल है कलंकित हो जाएगी बेटी पाप कोई और करे कलंकित बेटी होगी तो दबा दी जाती थी बात लेकिन आज वही माँ और वही बेटी खुल कर FIR करती है क्योंकि वो सोचती है कि कानूनी हक या कानूनी अधिकार हमारा है और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए मीटू आ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ विरोध करने की इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन सब सत्य है ये भी मान लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें जांच अवश्य होनी चाहिए इसमें जैसे आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने सोचा है कि जजों का एक
पैनल बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे जो ऐसे मामलों की जांच करेगी। देखिए बच्ची आवाज उठ रही है, और लापरवाही है प्रशासन की, नगर निगम की और नेताओं की। कैसे 80 फुट का पुतला और 180 फुट का पुतला और 120 फुट भी जगह उस पार्क में नहीं, और उससे लगा हुआ रेलवे लाइन और चलती हुई रेलवे लाइन, और वहाँ लोग भाषण दे रहे हैं, अंदर बैठे वीआईपी, बाहर खड़े लोग, घोर लापरवाही है। देखिए इस लापरवाही ने बहुत इनोसेंट लोगों की जान ली है। ये बात मैं नहीं कहूँगी कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन अगर लापरवाही की है तो ये अक्षम्य है। इसको इस तरह की लापरवाही इनोसेंट बहुत ही जानी गई है, जिसका कि हम लोग को दुख है और इसकी जांच हो रही है। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और निश्चित रूप से भावनाओं से जुड़ी हुई बात अगर कोई कहता है तो उसको जनता के सामने वो आई है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि मामला कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके निर्णय का। नहीं, कांग्रेस का तो एक काम ही है, वो तो एक परिवार या एक दो चार लोगों को छोड़कर किसी को सम्मान दिया ही नहीं। तो मैं तो ये जानती हूँ कि नरेंद्र तिवारी जी बड़े नेता थे, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने उनको सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है। पहली बार विधानसभा परिसर में किसी नेता के शव को रख के श्रद्धांजलि दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार हर उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो राष्ट्र में जिसने अपना योगदान दिया हो, और निसंदेह तिवारी जी एक बहुत ही सफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रहे, और वो बहुत ही बड़े फिनेंशियर थे, अर्थशास्त्र उनका बहुत अच्छा था, वेरी केपेबल फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रहे भारतवर्ष के। तो उनका ना आना, नहीं आने से पूरी जनता उन्हीं के खिलाफ टिप्पणी कर रही है, अनुचित था। उन लोग किसी बड़े नेता को उत्तर प्रदेश ज़रूर जाना चाहिए था।